कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली 3 जून को भट्टूखंड के अनेक गांवों में सुनेंगे जनसमस्याएं। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली 3 जून को भट्टूखंड खंड के विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों की जनसमस्याएं सुनेंगे। शुक्रवार को इस बारे जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता व भट्टू मंडी से प्रमुख समाज सेवी सतपाल सिंह बंसल ने बताया कि विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली 3 जून को 12 बजे गांव मानावाड़ी में, 12:30 बजे मॉडल टाउन भट्टू मंडी, 1:30 बजे गांव दैयड़ में जनसमस्याएं सुनेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। क्या कहा सतपाल बंसल ने, सुने उन्हीं की जुबानी। इस वक्त हम हैं भट्टू मंडी के मॉडल टाउन में और भट्टू मंडी के मॉडल टाउन में यह शिवाजी पार्क है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ कुछ तैयारियां चल रही है, इस तैयारियों के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे कि आखिर यहाँ क्या कार्यक्रम होना है। आज शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के आगमन को लेकर यह तैयारियां चल रही है और उसकी जानकारी हम आपको देंगे। हमारे साथ प्रमुख समाज सेवी सतपाल बंसल जी। तो सर, आज ये जो तैयारियां चले बताइए, पूरी जानकारी दीजिए। ये तैयारियां हरियाणा सरकार के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी आ रहे हैं यहाँ पर जी। लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए, उनका समाधान करने के लिए ये प्रोग्राम रखा है और जलपान का भी प्रोग्राम है जी। तो मंत्री जी आएंगे, लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? लोगों से ज्यादा लोग आए, अपनी समस्या सरकार के मंत्री जी के पास रखे, उनका समाधान करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग मंत्री जी की भाषण सुन लें जी। ये उन्होंने जानकारी दी और आपसे सभी लोगों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में शिरकत करें। हम आपको बता दें कि देवेंद्र बबली जी का कार्यक्रम भट्टूखंड क्षेत्र में 3 स्थानों पर है। ये पहले मानावाड़ी में 12 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद भट्टू मंडी के मॉडल टाउन में 12:30 बजे का कार्यक्रम यहाँ शिवाजी पार्क में है और यहाँ पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही है और उसके बाद 1:30 बजे गांव दैयड़ में भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और वहां जनता से मिलेंगे। और हम आपको बता दें कि भट्टूखंड में पंचायत मंत्री बनने के बाद देवेंद्र बबली जी पहली बार पहुंच रहे हैं और भट्टूखंड क्षेत्रवासियों को काफी उम्मीद है उनसे। आखिर वे यहाँ कोई नई सौगात यहाँ देकर जाएंगे और यही उम्मीद लगाकर क्षेत्रवासी लगे हुए हैं और मंत्री जी के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। यह रिपोर्ट अधिक से अधिक शेयर कीजिए, धन्यवाद। भट्टू मंडी में सरकारी अस्पताल के पास पलक झपकते ही 3-व्हीलर हुआ चोरी। भट्टू मंडी में शुक्रवार को पलक झपकते ही सरकारी अस्पताल के पास 3-व्हीलर चोरी होने का मामला सामने आया है। फतेहाबाद निवासी रविंद्र पाल ने बताया कि वह फतेहाबाद से भट्टू मंडी आया हुआ था, जहां वह दोपहर को सरकारी अस्पताल भट्टू मंडी के पास ढाबे में चाय पीने के लिए रुक गया। उसने बताया कि वह अपने 3-व्हीलर में ही चाबी व मोबाइल रख ढाबे पर बैठा ही था कि एक शख्स अचानक उसका 3-व्हीलर ले इसार रोड की ओर फरार हो गया। उसने इस संबंध में भट्टूखंड पुलिस को सूचना दी है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव मानावाड़ी के खेत में नजायज शराब की भट्टी सहित 3 गिरफ्तार। 50 लीटर लहान व 18 बोतल शराब बरामद। गांव मानावाड़ी के खेत में पुलिस ने नजायज शराब की भट्टी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर 50 लीटर लहान व 18 बोतल नजायज शराब बरामद करने में सफलता हासिल की है। शुक्रवार को मिली जानकारी अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि मानावाड़ी के एक खेत में नजायज शराब भट्टी चल रही है। मौके पर पुलिस ने रेड कर प्रदीप कुमार, संदीप कुमार व पवन कुमार निवासी गांव मानावाड़ी को मानावाड़ी के एक खेत में बने कमरे के साथ छप्पर में नजायज शराब की भट्टी चलाते गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से एक गैस सिलेंडर, पानी की टैंकी, प्लास्टिक की कैनी, गैस भट्टी, प्लास्टिक की पाइप, ड्रम में करीबन 50 लीटर लहान, प्लास्टिक कैनी में 18 बोतल निकाली गई नजायज शराब बरामद की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पंचायत मंत्री के आगमन पर भट्टू मंडी में पंचायत एसोसिएशन ने विरोध करने का लिया निर्णय, खंड प्रधान चंद्रमोहन की वीडियो वायरल। पंचायत मंत्री के आगमन पर भट्टू मंडी में पंचायत एसोसिएशन ने विरोध करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को खंड प्रधान चंद्रमोहन पोटिया की सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुई, जिस पर उन्होंने कहा कि सरपंच लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन जायज मांगों की ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। शनिवार को भट्टू मंडी में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का कार्यक्रम होना है, जिस पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। क्या कहा चंद्रमन पोटिया ने, सुने इस वीडियो में। सभी साथियों को, सभी बंधुओं को नमस्कार।
सभी से सभी के बीच में आने का आपसे एक अपील के माध्यम से आपके बीच में आए हैं। आपको मालूम है या ना मालूम है, कल 3 तारीख को भट्टू मंडी में भट्टू ब्लॉक के अंदर माननीय पंचायत मंत्री देवेंद्र गोगली जी के कार्यक्रम रखे गए हैं। जैसा कि सरपंच एसोसिएशन स्कैंडरिंग और पंचायती राज को जो खोखला कर जो ये संविधान लेके आए हैं, उनके विरोध में शुरू दिन से इनके खिलाफ धरना रहकर विरोध प्रदर्शन करकर अपना प्रदर्शन कर रही है। तो कल इसी कड़ी में माननीय पंचायत मंत्री जी का भट्टू सरपंच एसोसिएशन ने विरोध करने का निर्णय लिया है। उसी कड़ी में आप सभी साथियों से, आप सभी बंधुओं से मैं विनम्र अपील करता हूं कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस विरोध को सफल बनाएं और अपने गांव को, अपने देहात को बचाने की इस लड़ाई में शामिल होकर इस आंदोलन में अपनी आहुति दें। धन्यवाद।